मैदान। पांचवें चरण के लिए कुल 144 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो अपनी किस्मत को आजमा रहे। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली में भी आज ही मतदान है। इसके अलावा अमेठी, जालौन, झांसी की लोकसभा सीट पर भी आज मतदान है। हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और तमाम सीटों पर वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा लोकसभा सीट पर भी मतदान चल रहा है। फैजाबाद, कैसरगंज लोकसभा सीट पर मतदान 14 लोकसभा सीटों पर 2.68 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि 14 लोकसभा में 28,688 पोलिंग बूथ और 4,235 क्रिटिकल बूथ भी बनाए गए हैं। तो पांचवें चरण में कुल 144 उम्मीदवार हैं और ये जो पांचवा चरण है इसका चक्रव्यूह, इसको भेद पाना तमाम दलों के लिए लगातार इसको लेकर अच्छी खासी रणनीति बनाई गई। आज होने वाली इस परीक्षा पर पूरे देश की नजर होगी। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो ये 14 लोकसभा सीटें, यहां पर 131 पुरुष और 13 महिलाएं उम्मीदवार हैं। फतेहपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर सबसे कम 4 प्रत्याशी है। तो बात हो रही है पांचवें चरण की, जिसको लेकर मतदान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम महत्वपूर्ण हॉट सीटें जिन पर आज वोटिंग होनी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां पर भी आज वोटिंग है। और देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, हर 5 साल बाद लोकतंत्र का ये महापर्व लोगों के लिए आता है। जो चीज जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर, आप भी पुराने एक तरह से वेटरन हैं, अगर देखा जाए तो इतना चुनाव कैंपेनिंग निकल गया, तमाम लोग आए, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता आए, क्या सोच रहे हैं आप, किस दिशा में जनता सोच रही है और क्या उम्मीदें हैं अगर देखा जाए? नहीं, देखो जहां तक है कि क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जनता, ठीक है 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या पांचवे ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। तो अब वही चीज़ है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो आप, बेरोजगारी की बात करो। देखिए, पांचवा चरण बेहद महत्वपूर्ण और तमाम ये जो 14 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग चल रही है, और आपको बता दें कि बड़ी अपडेट है, वोटिंग शुरू हो चुकी है और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी जो किस्मत है दांव पर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तमाम केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की भी जो किस्मत है वो दांव पर लगी। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज, मोहनलालगंज, गोंडा, बांदा, बाराबंकी, फैजाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कौशाम्बी में भी आज ही मतदान है। बात अगर लखनऊ की जाए तो लखनऊ का भी रण आज ही है, लखनऊ में भी चुनाव आज है। राजनाथ सिंह यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने उनको टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के 9 बार विधायक रहे रविदास मेहरोत्रा। तो देखिए, ये जो चुनावी अपडेट है वो आपको दे रहे हैं और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है दांव पर लगी है। बात हो रही है लखनऊ की, जिसमें राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के जो सरवर मलिक हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। बात हो रही है लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत की सीट है। तो राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा, और बात अगर की जाए लखनऊ की तो तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी पृष्ठभूमि कहा जाता है लखनऊ के तमाम ऐसे मुद्दे, हालांकि वोटर्स का मिजाज, तो तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये व्यवस्थाएं हैं उन तमाम बूथों की
यहाँ पर पुलिस प्रशासन और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर मुस्तैद की गई। आप देखिए, हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है उत्तर प्रदेश के इस पांचवें चरण के लिए। आप देखिए, लखनऊ की बात हो रही है जहां पर बीजेपी के राजनाथ सिंह और उनके सामने उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं रविदास मेहरोत्रा। रायबरेली में राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से, स्मृति ईरानी, उनके सामने किशोरी लाल शर्मा, और साथ ही साथ बात की जाए केसरगंज में करण भूषण और भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से। ये सीट भी काफी चुनौती मानी जा रही बीजेपी के लिए। बीजेपी के कौशल किशोर और उनके सामने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से और श्रेया वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं, चुनावी मैदान में उतरी हैं, आरके पटेल बांदा से और कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी से। और बात अगर बाराबंकी की जाए तो राज रानी रावत और तनुज पुनिया हैं यहाँ पर चुनावी मैदान में, और फैजाबाद में लल्लू सिंह जो वहां से फिलहाल सांसद भी हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, और फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति, नरेश उत्तम पटेल। बात अगर हमीरपुर की जाए तो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और उनके सामने अजेंद्र सिंह, और जालौन में भानु प्रताप सिंह और उनके सामने नारायण। बात अगर झांसी की जाए तो अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन आदित्य चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे। कौशाम्बी में विनोद सोनकर और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज हैं। तो देखिए, ये जो 14 सीटें हैं जहां पर आज तमाम बड़े चेहरों की जो साख है दांव पर लगी है, चुनावी मैदान में कुल 144 उम्मीदवार हैं। और आप देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है पांचवें चरण की वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां की गई, बूथों में भी विशेष तैयारियां की गई है और सुरक्षा के नजरिए से भारी पुलिस फोर्स तैनात है 24 के रण में। किसका राज तिलक होगा ये जनता आज पांचवें चरण में तय करने जा रही है। अब सवाल ऐसे में ये है कि क्या तीसरी बार बीजेपी का सपना साकार होगा या फिर विपक्ष की रणनीति से